हेलो दोस्तों, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। और आज का हमारा विषय है टागेस अबलॉफ, यानी कि डेली रूटीन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दिनचर्या। जब आदमी सुबह उठता है और रात में सोने तक के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ वो डेली बेसिस में करता है, उसको हम लोग डेली रूटीन कहते हैं। तो आज हम लोग मिस्टर टिम का, जो कि हमारे आज हीरो हैं, और उनके विषय में आज हम जानेंगे कि वो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के बीच में क्या क्या करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है प्रेजेंट टेंस में बताऊंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रही हूँ, उसमें वही सारी एक्टिविटीज़ जो है पास्ट टेंस में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आज की जो हमारी दिनचर्या है, वो हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए देखते हैं। नंबर आइंस, और हमने आज क्वेश्चन इनसे पूछा है, वाज माख्त टिम, मतलब कि व्हाट डस टिम डू, या टिम क्या कर रहे हैं अभी, टिम क्या कर रहा है ना। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले उम जीबन उआ स्टेट टिम ऑफ, उम जीबन उआ स्टेट टिम ऑफ। वर्ब है ऑफ स्टेहन, टू गेट अप, मतलब कि उठना। सुबह 7 बजे जो है टिम सोकर उठे, उम सीबन हुआ स्टे टिम आउफ। टिम वेक्स अप और गेट्स अप एट 7 o'clock और 7 AM। तो यहाँ पे जो भी वर्ब यूज़ हुआ है सेंटेंस में या फिर नाउन यूज़ हुआ है, वो मैंने रेड कलर में जो है ब्रैकेट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और ऑफ स्टेहन का मतलब होता है उठना, और ये एक ट्रेंड बारिज वर्ब है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि स्टेट आगे आ गया और जो ऑफ है वो एंड में चला गया है। तो 7 बजे जो है टिम जो है उठे हैं। उसके बाद एंड वाज माख्त टिम यट्स, अभी टिम क्या कर रहे हैं। उम अख्त ओवर द्राइसिश फ्रुश्टुक्ट एयर, उम अख्त ओवर द्राइसिश फ्रुश्टुक्ट एयर। फ्रुश्टुक्ट मतलब होता है, वर्ब है फ्रुश्टुकन। फ्रुश्टुकन का मतलब होता है टू हैव ब्रेकफास्ट, मतलब कि ब्रेकफास्ट खाना। 8:30 बजे जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ही ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8:30। नंबर थ्री, उम 9 ओवर फैट एयर मिट डिम आउटो जुर आरबाइट, उम 9 ओवर फैट एयर मिट डिम आउटो जुर आरबाइट। और 9 बजे वो जो है अपने ऑटो के साथ, मतलब अपनी कार के साथ काम पर चले जाते हैं ना। सू डे आरबाइट को हम लोग ने कंबाइन करके सुर कर दिया है, सुर आरबाइट। यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है फारन। फारन बहुत मैं अपने वीडियोस में पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। फारन मीन्स होता है टू ड्राइव। और इंग्लिश वर्जन में इस इंग्लिश देखिए, एट 9 o'clock ही गोज़ टू द ऑफिस विद विद द कार और विद हिज कार, मिट डेम आउट हो या विद विद द कार। उसके बाद नंबर फियर, उम 9 ओवर द राइसिश फैंक्ट एयर मिट डे आर बाइट अन। अब 9:30 बजे वो क्या करते हैं, अपने काम को शुरुआत करते हैं, अपने काम के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे वर्ब आया है अनफांगन, अनफांगन टू स्टार्ट। और यहाँ पर अनफांगन जो है वो अगेन एक ट्रेंड बारस वर्ब है, जिसमें एफ फैंक्ट यहाँ पे कॉन्जुगेट हो गया और अन जो है लास्ट में चला गया है। एक बार फिर पढ़ूंगी इसे, उम 9 ओवर द राइसिश फैंक्ट एयर मिट डे आर बाइट अन। लीस्ट उंड श्राइब्ड फील्ड ई मेल्स, इसका मतलब लास्ट वाले सेंटेंस का मतलब है, ही रीड्स एंड राइट्स मैनी ई मेल्स। लीस्ट आया है लेजन से टू रीड, और श्राइब्ड आया है श्राइबन से ना टू राइट लिखना। लेजन मीन्स पढ़ना, अनफांगन मतलब शुरुआत करना। और 9:30 बजे वो अपने काम के साथ शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर वो अपनी ईमेल्स जो हैं पढ़ते हैं और ईमेल्स राइट करते हैं, जिनका जवाब देना होता है उनको जवाब देते हैं। तो 9:30 बजे वो उन्होंने ये किया। उसके बाद नंबर 5, उम
सेन उवा दराइसिश, 10:30 बजे क्या किया? सेन उवा दराइसिश रूफ्ड एयर फ्राउ एंजेला अन। अच्छा जी, 10:30 बजे उन्होंने अनरूफन, अनरूफन मतलब होता कॉल किया, या रूफ्ड, और एयर रूफ्ड किसको फ़ोन किया? एयर रूफ्ड फ्राउ एंजेला अन। अनरूफन अगेन ट्रेंड बारस वैब है, एयर रूफ्ड कंजुगेट हुआ है और अन एंड में चला गया है। दोस्तों इसमें ज़रा भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इजी है, धीरे धीरे आपको इसकी समझ जैसे जैसे पकड़ में आएगी आप इसको इजीली कर लेंगे ना, इतना आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस में आप जाके देखिए, जिसमें मैंने ट्रन बारस वेब जो है बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किए हैं। और अचानक से अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आई रिकमेंड कि आप पहले जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर लें एक बार ही। ओके गाइस, तो 10:30 बजे उसने जो है फ्राउ एंजेला को फ़ोन किया, उसके बाद क्या किया? एयर फेर आइन बाट आइनन टर्मीन, एयर फेराइन बाट आइनन टर्मीन। टर्मीन का क्या मतलब होता है? टर्मीन का मतलब होता है मीटिंग, और फेराइन बारन का मतलब होता है टू अरेंज, मतलब कि उसने उसके बाद जो है एक मीटिंग अरेंज की। और ये दोनों जो वर्ब्स हैं, जो ये वर्ब है फेराइन बारन और टर्मीन क्या है, टी देखिए कैप्स में आया है, इसलिए टर्मीन जो है एक नाउन है। तो जब भी नाउन और वर्ब साथ में आते हैं उसको हम कहते हैं नोमन वेब फॉरबिंडुंगन, एन फाउ फाउ। ये आपको C1 लेवल में पढ़ने को मिलेगा, मगर इसका छोटा छोटा सो जो झलक होती है ना वो A1 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत छोटी सी एक उसका एग्जांपल है, टर्मीन फेराइन बारन कहते हैं इसको। ये वर्ड हमेशा एक साथ ही बोले जाते हैं, और जब बोले जाते हैं किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, अगर कोई इस तरीके से बोलता है टर्मीन फेराइन बारन टू अरेंज अ मीटिंग, है ना दोस्तों। मगर ये बाद में C1 में एकदम कहते हैं विकराल रूप धारण कर लेगा, इतने सारे एन फाओ फाओज हैं, एन वी वी जिसे कहते हैं, बहुत सारे हैं फ्रेजेस टाइप्स के हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और बहुत मैं तो एक्साइटेड हो जाती हूँ इतने सारे टॉपिक्स को सोच कर ही। तो अभी के लिए आप इस पे ध्यान दीजिए और इसको कोशिश कीजिए याद करने का, या फेराइन बाट आइनन टर्मी ही अरेंजेस अ मीटिंग। तो 10:30 बजे ओवर हो गया जी, उसके बाद नंबर 6 आता है, नाप टीम क्या कर रहे हैं? फॉन दराइस सीन बिज दराइस सीन दराइसिश हुआ महत टीम मिटाक्स पाउज, या फ्रॉम फॉन बिज मतलब होता है फ्रॉम 13 ओवर टू 13:30 टिम मेक्स अ लंच ब्रेक, ही मेक्स अ माखन माखन वर्ब है ना, मख्त टिम मख्त मिटाक्स पाउज, ही मेक्स अ लंच ब्रेक और ही डू अ लंच ब्रेक, कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं, अपना लंच ब्रेक करते हैं आधे घंटे का। उसके बाद ए गेट इन दी कैंटीन, उसके बाद फिर वो अपने कैंटीन जाते हैं, ही गोज टू द कैंटीन। यहाँ पे जो नाउन है वो है डी मिटाक्स पाउज लंच ब्रेक, पाउज मतलब जैसे हम बोलते हैं ना पॉज मतलब ब्रेक लेना, और ये लंच ब्रेक। उसके बाद 1:30 बजे के बाद 13:30 हुआ जो है फोन द द्राइसिन और द्राइसिश बिस जीप सिन और आरबाइटर टिम वीदर, टिम वीदर मतलब कि वो फिर से उसके बाद काम करते हैं ना, ए आरबाइटेड वीदर ए हट आइन बिस्प्रेशंग मिर फ्राउ राधा, ए हट आइन बिस्प्रेशंग मीन्स ही हैज़ अ मीटिंग विद मिस राधा, उसकी जो है मीटिंग है राधा के साथ। उसके बाद ना इसके बाद उसने पहले तो काम स्टार्ट किया 13:30 से 7 बजे 17 आवर्स तक उसने काम किया, उसके बाद उसकी जो है राधा मिस राधा के साथ एक मीटिंग है बिस्प्रेशंग है। दानख यूबजेट्स एयर ज्वाइ ब्रीफ ऑस इटालियन, दानख यूबजेट्स एयर ज्वाइ ब्रीफ ऑस इटालियन। दानख का क्या मतलब होता है? दानख मतलब होता है उसके बाद जब राधा के साथ मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद यूबजेट्स एयर, यूबजेट्स इनका मतलब होता है ट्रांसलेट करना, उसने ट्रांसलेट किए ज्वाइ ब्रीफ
कितने ब्रीफ? ज्वाए, ब्रीफ मीन्स लेटर्स, उसने दो लेटर्स जो हैं इटली से ट्रांसलेट किए. आफ्टर दैट ही ट्रांसलेट्स टू लेटर्स फ्रॉम इटली. यूबजेट्सन, देखिए अगर जैसे कोई लैंग्वेज पढ़ता है ना, तो लैंग्वेज आप इस पर्पस से भी पढ़ते हैं कि आप फ्यूचर में ट्रांसलेशन की जॉब ले सकें. तो अगर आप ट्रांसलेटर बन जाते हैं तो उस प्रोफेशन को कहते हैं यूबजेट्सा. इश बिन आइन यूबजेट्सा, मतलब मैं एक ट्रांसलेटर हूँ और लड़की हुई तो यूबजेट्से रेन. तो ये वर्ड काफ़ी अच्छा है याद करने के लिए. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसने आर्बाइट स्टार्ट किया. दोबारा से उसने मीटिंग की और उसने अपने दो लेटर्स को जो है वो ट्रांसलेट किया. दन कॉम्ट नुमा आख्त उम जीपसिन उ द्राइसिश हट टिम फायर आबंड. मतलब कि यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे टिम ने जो है अपना काम क्लोज कर दिया. हाँ, टिम हट फायर आबंड मीन्स ही हैज़ क्लोजिंग टाइम. उसने काम अपना बंद कर दिया 5:30 बजे. ए फैट इन डी स्टार्ट उन कॉफ्ड इन सुपर मार्क्ट आइन. ए फैट इन डी सुपर इन डी स्टार्ट मतलब कि वो अपनी सिटी में उसने वापस ड्राइव बैक किया घर की तरफ. ए फैट इन डी स्टार्ट उंट एंड काउफ्ड इम सुपर मार्क्ट आइन. और सुपर मार्केट जाके उसने खरीदारी की, मतलब शॉपिंग की. आइन काउफन जो हाउस कॉफ्ट ए फिश जुम आबंड एसन. जो हाउस का मतलब होता है घर पर. कॉफ्ट एयर ही कुक्स, उसने खाना बनाया. और खाने में क्या बनाया? फिश. जुम आबंड एसन, जुम आबंड एसन मतलब कि रात के डिनर के लिए उसने क्या बनाया? उसने मछली बनाई. जो हाउस कॉफ्ट एयर फिश जुम आबंड एसन. इसमें हमने तीन नए वर्ड्स सीखे हैं. डिफायर आबंड मतलब कि क्लोजिंग टाइम, जब हम काम को ख़त्म करते हैं. आइन कॉफन टू परचेज. दस आबंड एसन यानी कि डिनर. एट 5:30 ही हैज़ क्लोजिंग टाइम. ही ड्राइव्स टू द सिटी एंड परचेजेस इन द सुपर मार्केट. एट द हाउस ही कुक्स फिश फॉर डिनर. तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप देखिए, इसमें सारा प्रेजेंट टेंस मैंने यूज़ किया है. ओके, अभी एक और बचा है, नंबर 9. नंबर 9 ये पहले देख लेते हैं. अब 9 सेन उ जीत टिम फैन. अब 9 सेन, अब नौ, तो आपको पता है एट. अब का क्या मतलब होता है? अब मतलब होता है फ्रॉम, मतलब 19 आवर्स से उसने टीवी देखना शुरू किया. आप इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टिम है वो बैठ के अपने काउच पे जो है टेलीविजन देख रहे हैं. अब जो है आप ध्यान दीजिएगा, अब मतलब होता है फ्रॉम, मतलब होता है एट, मतलब 7 बजे से उसने जो है टेलीविजन देखना शुरू किया. एजीत नखरिश्टन उन आइनन स्पील फिल्म. एजीत मीन्स जीत आया है जेहन से. एजीत वहाँ पे कॉन्जुगेट हुआ है. एजीत नखरिश्टन, नखरिश्टन मतलब टीवी न्यूज़ जो आते हैं, जैसे कोई भी चैनल में हम न्यूज़ देखते हैं आज तक, या फिर ABP न्यूज़ जो आते हैं, इंडिया टीवी, ये सारे के सारे जो हैं न्यूज़ चैनल्स हैं और वहाँ पे आप नखरिश्टन देख सकते हैं. उन आइनन स्पील फिल्म, तो उसने एक तो न्यूज़ देखा और साथ में एक फिल्म भी देखी, एक फीचर फिल्म देखी, स्पील फिल्म. जॉय उन जॉन्सिश ओवर द राइसिश गेट एयर इन बेड. और 22 आवर्स, 30 कितना हो गया ये, आई गेस 10:30, 10:30 बजे जो है वो बेड पे चला गया, यानी कि सोने चला गया. ए गेट इन्स बेड, इन्स जो है यहाँ पे इन दस बेड, और उसको कुर्स फॉर्म में, उसको छोटे फॉर्म में लिखा है इन्स बेड. फैन जेहन टू वॉच द टेलीविजन. फैन जेहन, जेहन मीन्स देखना, फैन मीन्स टेलीविजन, टू वॉच टेलीविजन. दिनाखरिश्टन, दिनाखरिश्टन नोमन है, नाउन है, मतलब कि न्यूज़. द स्पील फिल्म अगेन नोमन है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है फीचर फिल्म, और ये मैस्कुलिन नाउन है. फ्रॉम 19 आवर्स ही वॉचेस टेलीविजन, ही वॉचेस न्यूज़ एंड अ फिल्म. एट 22:30 और 10:30 PM ही गोज टू द बेड टू स्लीप. तो दोस्तों ये था उसका एक डेली रूटीन,
और इन 9 पॉइंट्स में हमने उनके जो बेसिक रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया यही सारे 9 पॉइंट्स जो हैं वो मैं पास्ट टेंस में, जैसे अगर एक्टिविटी पास हो जाती है तो उसको पास्ट टेंस में कैसे हम लोग लिखेंगे, ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्जुगेट होते ही हुए हैं, और ये सेंटेंसेस कैसे हमने इसको क्रिएट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं सेम वीडियो सेम टॉपिक के साथ है मगर पास्ट टेंस में, वो मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी है या फिर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं भी लगता है तो आप बता सकते हैं कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, एंड मैं कोशिश करूँगी उसको अपने आने वाली वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करने की। तो दोस्तों अब लेती हूँ आपसे अलविदा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फेसबुक पे आप फ्रेंड्स बनिए, फेसबुक पे मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आप इस पर्टिकुलर फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं जो कि है facebook.com/hindi-english-to-german। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों मिलती हूँ जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, चूस।